नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। सब जानते ही हैं, काफ़ी फेमस बैंक है, हमारी पुरानी जनरेशन का सबसे मजबूत जिसमें विश्वास है वो पंजाब नेशनल बैंक ही है। तो ये जो है अभी ट्रेड कर रहा है 98.50 के प्राइस पे, 98.50 पैसे के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसने आज 1.34% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप की बात करें तो 1,08,414 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। अभी इसकी बुक वैल्यू जो है वो है 93.4 है, तो प्राइस भी इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 73.2% है। गवर्नमेंट का बैंक है तो ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट के पास ही है। तो ये इसमें क्या है, क्या करता है ये स्टॉक, तो आपको पता ही है कि ये है बैंक, राइट। तो इसके थोड़े से टेक्निकल की बात करते हैं। तो 1 ईयर पे ये लगा हुआ है, 1 ईयर का सारा डेटा दिखा रहा है। अभी प्राइस देखें तो प्राइस 50 और 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक काफी स्ट्रॉन्ग सॉलिड पॉइंट है। पीई की बात करें तो पीई मीडियम से थोड़ा सा ऊपर है, तो बेसिकली मीडियम पे ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। अभी अभी सेल्स एंड मार्जिन की बात करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका बिल्कुल स्टेबल है, बहुत अच्छी बात है। सेल्स की बात करें तो ये पर्पल वाली जो होती है सेल्स होते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती ही जा रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर एक इसमें सेल बढ़ती जा रही है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन भी सही है। बाकी इसके प्रोज की बात करें, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.05 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताया। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 87.9 डेज टू 67.6 डेज। ये काफी अच्छी बात होती है, कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होते हैं उसके दिन कम हो गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इतनी। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.57% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ रही है, हो जाएगा। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 6,79,641 CR। तो इसमें बैंक है, बैंक के ऊपर लाइबिलिटीज होती है, लोन देते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब इससे बात कर लेते हैं हम पिछले जो क्वार्टर के रिजल्ट्स है, क्योंकि अभी वाला तो अभी आया नहीं है, तो 2023 की ही बात करेंगे। मार्च में 24,305 का रेवेन्यू था, जो जून में हुआ ये जो फर्स्ट क्वार्टर है इस साल का, फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू था 25,673, एंड सितंबर में सेकंड क्वार्टर का है 26,858। तो ये 25,500 से 26,800 पे गया है, जो कि एक काफी अच्छा जंप है, अच्छी बात है। इंटरेस्ट जो है वो भी बड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं बड़ा है, 800 कुछ पॉइंट बड़ा है, बट बड़ा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस जून में ज्यादा थे, रेवेन्यू कम था। यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा है एंड एक्सपेंसेस कम हुए हैं, हालांकि इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो माइनस में है, पर लास्ट फर्स्ट क्वार्टर में इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट जो था -1,381 था, अभी -221 है, जो कि एक काफी अच्छा रिकवरी इन्होंने करी है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे काफी अच्छा जंप किया है, 1,363 से उठ के ये 1,990 पे आया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो फंडामेंट गवर्नमेंट का बैंक है, ऑफ कोर्स फंडामेंटली स्ट्रांग ही है। तो इसकी अब बात करते हैं थोड़ी सी कैश फ्लो की। कैश फ्लो आप ऑपरेशनल एक्टिविटीज से देखिए आया है 22,592 रुपीज, एंड इंटरेस्ट एक्टिविटीज से आया है माइनस में है ये अभी, पर पहले माइनस में ज्यादा था, मार्च 2022 में ज्यादा था, क्योंकि ये ईयरली ही आता है, एंड मार्च 2023 में कम हुआ है। फाइनेंशियल एक्टिविटी से देखें तो ये पॉजिटिव में है। जब बैंक्स वगैरह का देखते हैं तो बैंक्स का हमेशा ये जो देखना चाहिए फाइनेंस, वैसे यूजली तो ऑपरेशनल एक्टिविटी का देखा जाता है, पर बैंक्स जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट में होते हैं, स्टॉक्स जो भी फाइनेंस में होते हैं, उसमें हमें ये ज्यादा, बहुत बारीकी की बात है, ये लोगों को पता नहीं है यूजली, पर उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी पे ज्यादा गौर किया जाता है। तो अभी इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी, इसमें नेट कैश फ्लो जो है वो बड़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग की बात करें अब,
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे हैं हम, एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग है 73.15%, एफआईआईज की होल्डिंग है 3.10%। आप देख लेंगे पिछले क्वार्टर से अभी के क्वार्टर में दिसंबर में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, सितंबर के बाद दिसंबर में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है एफआईआईज ने। डीआईआईज की होल्डिंग ऑलमोस्ट उतनी ही है 13.74%, गवर्नमेंट का यहाँ पे नहीं है, ऑफकोर्स बैंक की गवर्नमेंट का है, तो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 10.00% है, मतलब 10% के आसपास पब्लिक के पास इसके शेयर है। ओके, ये हो गई फंडामेंटल्स की बात। अभी थोड़ी सी चार्ट के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो चार्ट की बात करें तो आज गिरते हुए मार्केट में इसने ये गिरा नहीं है, ग्रीन में क्लोज किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इसमें 6 करोड़ के आसपास आया है, जो कि काफी अच्छा वॉल्यूम है। पिछले कल इसका जो वॉल्यूम आया था वो आया था 9-10 करोड़ के आसपास, आज ये 6 करोड़ के आसपास आया है, काफी अच्छा वॉल्यूम है। इतनी गिरती मार्केट में ये वॉल्यूम आया है, बहुत अच्छी बात है। एंड अभी रिजल्ट भी आने वाले हैं इसके, अभी आए नहीं है, डेट भी नहीं आई है, जब भी आएगी डेफिनेटली आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एंड एक में आपके आरएसआई की बात करते हैं पहले, तो आरएसआई अभी चल रही है 67.26 पे, एंड ये जो इसका एवरेज निकाला है आरएसआई का वो चल रहा है 67.68 पे। आप ये देख सकते हैं येलो में लिखा है एंड ये पर्पल में लिखा है। तो बेसिकली जब आरएसआई, अगर आरएसआई की जो लाइन है वो इसकी एवरेज वाली को कट कर दे नीचे से, तो ये काफी अच्छा साइन माना जाता है। एंड अभी अगर आप जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऑलमोस्ट कट करने वाला है, यहां भी नंबर से पता चला 67.26 पे है एंड ये 67.68 पे है, तो ये कट करने वाला है, मुझे लगता है इसमें काफी अच्छा मूव आ सकता है। अब करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। तो इसका सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है, मुझे लगता है 92 एंड 93 के बीच का है, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक। एंड इसकी जो रेजिस्टेंस आ सकती है, जहां से ये दो तीन बार, एक दो तीन चार, चार बार ऑलमोस्ट यहां से ये इसके आसपास से इसने रिजेक्शन ली है, वो है 100 के आसपास इसकी रिजेक्शन आ सकती है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है, बट हाँ, क्योंकि ये ऑल टाइम वैसे हाई पे चल रहा है, पुरानी कोई इस पे वो नहीं है, मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ, पुरानी कोई इस पे आई थिंक नहीं है इसका, ओ है बिल्कुल है, बिल्कुल है, आई एम सो सॉरी, मैंने नहीं देखा था पहले। तो ये देखिए अब यहाँ पे रिजेक्शन क्यों आ रही है, एंड ये बहुत अच्छा साइन है, ये जो नीचे बना है ना गोल सा हाफ सर्कल, ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है, तो यहां से ये काफी स्ट्रांगली ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये रिजेक्शन क्यों आ रही है जी, ये रिजेक्शन है 2016 एंड देन ये 2018-2019, ये जन्मो जन्मांतर की हमारी यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस दे रहा है, पहले से यहाँ पे बना हुआ। देखिए यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस आई थी, यहाँ पे आई थी, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बना, फिर यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस आई है। तो ये पुरानी रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तभी इसको थोड़ा सा तोड़ने में वक्त लग रहा है। बट एनीवे, ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से सारे साइंस हैं, उस तरीके से मुझे लगता है ये कि काफी अच्छा मूव देने वाला है। तो जी हाँ, अगर आपकी आप चाहते हैं फ्रेश एंट्री बनाना, तो फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं आई थिंक यहाँ पे। एंड अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है, इसको होल्ड करके रखिए। अभी बजट भी आने वाला है एंड फिर इलेक्शन भी आने वाले हैं। मुझे देखिए गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं, काफी सॉलिड स्टॉक्स हैं, ये ऊपर जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से देखिए आप कुछ खुद देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, इस बार इसने थोड़ा अच्छा भी करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रांग है ये स्टॉक एंड ये ऊपर जाएगा। मैं इसके बारे में एक्चुअली मेरे को कमेंट करके किसी ने बोला था कि उनके लिए मैं ये वीडियो बनाऊं, तो उनकी रेकमेंडेशन आई थी मुझे इस पे कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रही हूं, एंड ऑफकोर्स सभी व्यूअर्स के लिए है ये। तो अब ये बोलिंजर बैंड का भी थोड़ा सा यहाँ पे है, बोलिंजर बैंड के अंदर ही ये है, एंड इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके, जो इसका एवरेज है वहां से सपोर्ट लेके भी वापस गया है, तो मुझे लगता है ये कल हमें अच्छे मूव दिखा सकता है, अगर यहाँ पे साथ में हमारे मार्केट ने भी सपोर्ट किया तो मुझे लगता है काफी अच्छे मूव दिखा सकता है। बाकी मैं एक
इंडिकेटर और लगा के देखना चाहूं तो अभी मैंने इस पे एक रेंज का इंडिकेटर लगाया है। एंड इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको पीछे करके दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे ना ये बना है, ग्रीन बना है, रेंज बनी है, एक यहाँ पे ग्रीन बना है, एक रेंज बनी है, तो ये एक बहुत ही तगड़ा साइन होता है। मैं आपको चाहे अगर आपको जानना है कौन सा इंडिकेटर है, कैसे लगाना है, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि कैसे लगा सकते हो आप। कभी भी अगर आपको ये रेंज वाला ब्रेकआउट दिखे तो उसको कभी मत छोड़िएगा। अगर कोई लोग शॉर्ट करते हैं तो उनके लिए भी, लॉन्ग वालों के लिए, क्योंकि मैं लॉन्ग ही करती हूं और मैं हमेशा आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए एंड लॉन्ग ही करिए, शॉर्ट मत करिए। वो आपकी अपनी वो है, मतलब मुझे लगता है कि लॉन्ग में ज्यादा सेफ रहा जा सकता है, जो हर एक चीज है आपका कैपिटल आप दाव पे नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंज बनी, यहाँ पे रेंज बनी, यहाँ पे जब रेंज बनी ब्रेकआउट मिला, थोड़ा सा ये इसने कंसोलिडेट किया, पर रेंज जो ब्रेकआउट करता है तो आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। यहाँ पे रेंज ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिला। थोड़ा सा पीछे भी चल के देख लेते हैं तो यहाँ पे रेंज ने ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना प्राइस था जब इसने ब्रेकआउट किया था, यहां से यहाँ पे प्राइस था 84 एंड ये गया था 100, ठीक है। तो आपको जहां भी ये रेंज दिखेगी तो आप खुद भी देख सकते हैं कि देखिए यहां पे रेंज ने ब्रेकआउट दिया था, हालांकि उसके बाद ये नीचे गया है, पर यहां पर रेंज ने ब्रेकआउट दिया था 148 एंड ये गया था 230 तक। तो यहां पर रेंज ने ब्रेकआउट दिया है ग्रीन में, ये है 81 का प्राइस एंड यहां गया था 138। तो जब भी आपको रेंज मिले तो उसको, तो वो मौका तो कभी मत छोड़िएगा। बाकी हम तो बैठे ही हैं यहाँ पे, जब भी ऐसा कुछ मौका आएगा, रेंज बनेगी या कोई और स्ट्रांग साइन मिलेगा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। अभी के लिए स्ट्रांग साइन बस मेरे पास एक ही है, जो है कि यहां पे ये RSI इसकी एवरेज को कट करने वाला है और मुझे लगता है कि ये थोड़े से अच्छे मूव दिखा सकता है। तो जो जिसने अगर खरीदा है वो कृपया होल्ड करिए, कम से कम अगर अच्छे मूव इमिडिएटली नहीं भी दिखाता, कम से कम बजट तक होल्ड करिए, काफी सारी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड इन एनी विच वे गवर्नमेंट का स्टॉक है तो काफी अच्छा जाएगा। ओके ट्रस्ट, अगर कोई क्वेश्चंस हो किसी और स्टॉक पे, आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने। थैंक यू। रेस्ट कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में भी ये डिस्क्लेमर दिया है कि ये सिर्फ मेरी पर्सनल एनालिसिस है, अगर किसी को मदद होती है इससे तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप खुद भी समझिए, जानिए, सीखिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। ओके, हैप्पी इन्वेस्टिंग।